अनुपमा के हाथ से फिसल रहे हैं उसके सबसे प्यारे और अनमोल रिश्ते। वनराज को काव्या की डांट और माया को दी अनुज ने सही वाली फटकार। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंगरी स्पिरिट्स में। हंगरी स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूं। ये जो तीनों टाइटल्स मैंने बोले इसमें सबसे ज्यादा अफसोस होता है पहले वाले टाइटल से, जिसमें अनुपमा के हाथों से उसके बड़े प्यारे रिश्ते फिसल रहे हैं। मगर हम जानते हैं कि ऐसा अनुपमा होने नहीं देगी, ना ही अनुज। मगर जो संकट है, चाहे वो थोड़ी देर का है, उससे अनुपमा और अनुज दोनों ही बहुत ज्यादा दुखी हैं। दोस्तों चलिए इस पे चर्चा करते हैं, आज की कड़ी पे चर्चा करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो आज की कड़ी में सबसे जरूरी बात तो यही है दोस्तों कि अनुपमा के अपने रिश्ते। अपने इसलिए कहा मैंने क्योंकि यही वो रिश्ते हैं जो अनुज और छोटी अनु के साथ जो अनुपमा के बने हैं, वो अनुपमा के खुद बनाए हुए रिश्ते हैं। पहले जो शाह परिवार में जाना बहू बनके, उसके बाद बच्चे होना, वनराज से शादी के बाद की सारी प्रॉब्लम्स, वो सब चीजें, बाप के साथ रिश्ता, ये सब शादी के बाद के रिश्ते हैं जो अनुपमा ने खुद शादी करना नहीं चूज किया था। वो तो शादी करना ही नहीं चाहती थी, मगर अपनी मां और अपने परिवार को जिस तरह उन्होंने देखा है, समझा है, उस हिसाब से उस समय शादी कर ली। मगर अंदर से इच्छा कुछ और थी। और जब 26 साल बाद अनुज सामने आए, उनका प्यार सामने आया, उसको भी अपनाने में समय लगा उनको। जब उनके अपने अंदर प्यार आया अनुज के लिए, तब उन्होंने अनुज को हां बोला। तो ये रिश्ता उनका अपना था, अपना कमाया हुआ था, नहीं कहूंगी, क्योंकि मैं भी चाहती हूं आपकी तरह कि ये रिश्ता ऐसे ही रहे, क्योंकि दोनों बहुत ही समझदार और अच्छे दिखते हैं। उसके बाद छोटी अनु, छोटी अनु को भी इन दोनों ने खुद चुना। अनुपमा ने खुद बाहें फैला के छोटी अनु को अपनाया। मगर अब जो हम इस कड़ी में देख रहे हैं, माया छोटी अनु और अनुज दोनों पे अपनी निगाह डाल के बैठ गई है। अनुपमा कई बार सोचेगी माया के हाथ से छोटी अनु का हाथ पकड़ने के लिए, मगर माया एक बार भी नहीं सोचेगी और ना ही उसने सोचा। ऐसा ही कुछ है आज की कड़ी में दोस्तों। शुरू माया से ही होती है। माया खुश है क्योंकि उसको मौका मिल गया है अनुज के साथ, छोटी अनु के साथ पिकनिक मनाने का। अब माया के मन में प्यार के लड्डू भी फूटने शुरू हो गए हैं। तो माया लिस्ट बना रही है दोस्तों, एक्साइटेड है बहुत ज्यादा कि मैं जाऊंगी पिकनिक पे, ये वो सब छोटी अनु के लिए जो भी उसने तैयारी करनी है तैयारी कर रही है। छोटी अनु आके यहां पे माया को कहती है कि वो मम्मी को मिस कर रही है, मगर माया यहां पे समझाती है कि मम्मी को तोशु भैया का ध्यान रखना है और तुम अगर खुश रहोगी तो तुम्हारे डैडी और मम्मी दोनों खुश रहेंगे। ये बात माया को खुद समझ में आ रही है कि ऐसा ही है, मगर वो छोटी अनु को समझा रही है। और यही बात जब अनुपमा कहती थी तब ये लगता था सबको और खास करके अनुज को कि ये छोटी अनु को बहुत समझदार बना रही है, मगर माया भी वही कर रही है। मगर माया का एजेंडा अलग है। वो चाहती है कि छोटी अनु के चेहरे पे जरा सी भी ऐसी शिकन ना आए जिसको ये लोग क्यों समझे और अनुपमा को साथ में भेजे या पिकनिक ही कैंसिल हो जाए। चलिए खैर, पिकनिक की तैयारी हो गई है। दूसरी तरफ बा का वही रोना धोना ताने मारना चालू है। किसी ने कमेंट में लिखा था कि भीष्म पितामह की तरह है बापूजी। तो बात तो सही है कहीं ना कहीं, क्योंकि वो एक्शन कोई नहीं लेते हैं। मगर एक्शन लें भी तो क्या लें, क्योंकि उनकी खुद की इतनी किरकिरी हो चुकी है बा के सामने। तो बा का तो क्या ही कहना, क्योंकि बा के लिए एक्शन बापूजी का नहीं बनता है। बापूजी की बातें तो खैर वो सुना अनसुना कर देती है, मगर यहां पे एक्शन बनता है वनराज का। जिस दिन वनराज ने बा की बात काटी और बा के खिलाफ एक्शन लिया, उसी दिन बा का यह घमंड टूट जाएगा। मगर
क्या करे वनराज, वो भी उसी का बेटा है, वैसे ही सोचता है। तो यहां पे हल्के से शब्दों में मना जरूर करता है कि हाँ उसकी जरूरत तो है, मगर क्या करे, अनुपमा को यहां हर वक्त तो बुला नहीं सकते हैं, हम लोग मैनेज कर लेंगे। अगर यही बात पूरे कॉन्फिडेंस से कहता तो बा को भी समझ में आती ना, मगर नहीं, स्वार्थ अपना भी है वनराज का यहां पे। तो बा तो ऐसे कुड़ती हुई निकल जाती है और अपने आप को जैसे बड़ा एहसान करके अनुपमा को लेके आई थी, ये जताती है कि मैंने तो इतनी मिन्नतें की। तो वो जो सीन हमने देखा था बा का रोना धोना, अब समझ में आया कि वो सब बा का ड्रामा था, सोचा समझा। तो दोस्तों यहां से हम कपाड़िया हाउस जाते हैं इसी कड़ी में। कपाड़िया हाउस में अनुपमा नेचुरली वो बहुत सैड है, वो छोटी के लिए तैयारियां तो कर रही है मगर अंदर से दिल एकदम बुझा हुआ है। और ये ज्यादा बुझा इसलिए है क्योंकि अनुज ने ये फैसला लिया है कि अनुपमा नहीं जाएगी। तो ये बहुत सारी चीजें होती हैं जो ह्यूमन माइंड में आती है दोस्तों, कुछ कही जाती है कुछ नहीं कही जाती है। कहा तो था अनुपमा ने इस कड़ी में बहुत अनुज को, मगर बहुत कुछ नहीं कहा। अनुज ने पूछा, सॉरी भी बोली कि मैंने वो डिसीजन लिया, मगर छोटी के लिए ये जरूरी था। तो यहां पे बहुत सारे सवाल उठते हैं दोस्तों कि जिसको 26 साल से प्यार किया उसको तो आप छोड़ के जा रहे हो, छोटी अनु के लिए, क्योंकि छोटी अनु के साथ अगर माया रहेगी तो माया को तो ज्यादा चांसेस मिलेंगे ना छोटी को अपनाने के। और यहां पे क्या चल रहा था, 15 दिन का टारगेट, तो अनुज खुद ही माया और छोटी को टाइम स्पेंड करने के लिए दे रहा है और खुला स्पेस दे रहा है। ये सब बातें भी होंगी यहां पे, तो अनुपमा का साथ देना चाहिए था अनुज को। और छोटी के लिए अगर पिकनिक ऑर्गेनाइज करनी है तो अनुज कपाड़िया बहुत अमीर इंसान है, वो खुद स्पॉन्सर कर सकते हैं पिकनिक, मगर ऐसा नहीं, क्योंकि जो मैंने आपसे डिस्कस किया था कि कहीं ना कहीं अनुज जो है वो अनुपमा को कुछ समझाना चाहते हैं कि अगर माया इस तरह छोटी अनु के करीब रहेगी तो बहुत कुछ बदल सकता है। तो दोस्तों ये तो अनुज ने अनुपमा को समझाने की कोशिश की, उसकी बातें सुनने की कोशिश की, मगर अनुपमा का मन बहुत 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 उदास है उन्हीं की भाषा में, क्योंकि वो इस तरह से फील हो रहे हैं जैसे वो सेवादार सी बन के रह गई हैं। जो बीमार है उसके साथ अनुपमा को जोड़ दो, अनुपमा अच्छी सेवा करती है, अनुपमा को पिकनिक पे जाने का अनुपमा का मन नहीं है, ऐसा सोचते होंगे कि ये तो छोटी के मन के लिए जा रही है। यानी कि अनुपमा की खुशी किसमें है ये समझना थोड़ा इन लोगों के लिए मुश्किल हो रहा है। अनुपमा का मन भी है पिकनिक में जाने का, यानी कि छोटी के लिए जा रही है वो, उसको भी तो ब्रेक चाहिए इतने सारे चीजों के बाद, वो ब्रेक कहां मिल रही है उसको। अगर जैसे अनुपमा ने कहा कि होता भी नहीं भी होता, फोन आता भी नहीं भी आता, तोशु की तबीयत बिगड़ती भी नहीं भी बिगड़ती, तो जब नहीं भी बिगड़ती के थोड़े से चांसेस हैं तो उस चांसेस को अनुज क्यों नहीं एंटरटेन कर रहा। एक ही बात, छोटी का दिल टूटेगा, छोटी का दिल टूटेगा, छोटी का दिल टूटेगा, ये समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा है क्योंकि आने वाले समय में चीजें बदलेंगी। क्योंकि जिस तरह अनुज ने पिकनिक में सबका मुंह बंद किया कि ये मिसिस कपाड़िया नहीं है और सबको बताया कि ये बायोलॉजिकल मदर है, ये माया को अच्छा नहीं लगा और माया ने कह भी दिया और अनुज ने वहां पे माया को फटकार भी लगा दी कि जरूरी है। इतने में भी माया को नहीं समझ में आता है दोस्तों, या फिर समझ में आता है मगर वो इससे आगे सोचना ही नहीं चाहती है कि मैं तो अपने उसमें धुन में हूं, मैं अनुज और मेरी बेटी, बस हमारी बेटी, बार बार वो बोल के अनुज के दिमाग में डाल रही है। तो माया तो अपना खेल पूरी तरह से खेल रही है और अब उसको कहीं ना कहीं लग रहा है कि अनुज मुझे सपोर्ट कर रहा है, मगर अनुज उसको सपोर्ट नहीं करेगा, इतना हम सब अनुज के बारे में जानते हैं। अनुज जरूर इसमें कोई ना कोई दिमाग में कुछ लेके बैठे हुए अनुपमा के लिए, नहीं तो अनुपमा को इतना दुखी अनुज देख नहीं सकते हैं। अनुपमा की आंखों में आंसू आते थे तो अनुज पहले रोते थे। तो कभी कभी सबक सिखाने के लिए सख्ती बरतना पड़ता है, शायद वही फेज चल रहा है, इसलिए वो अनुपमा को दुखी देख के खुद भी ज्यादा दुखी हो रहे हैं।
और उधर हमने देखा काव्या का शाह हाउस में कितना चालाक है वनराज। बाय गॉड, उसने ना सिर्फ उसका लंदन जाना कैंसिल कर दिया बल्कि उसका प्रोजेक्ट, उसका करियर सब बर्बाद कर दिया। उसके बाद भी उसके करीब जाने की कोशिश कर रहे काव्या के, तो क्या काव्या चुप रहेगी? और काव्या ने जो उसको सुनाया है, क्योंकि अब उसने कह दिया कि कुछ प्यार व्यार नहीं है, अब कोई भावना नहीं है, सिर्फ हमदर्दी है तुम्हारे साथ, क्योंकि उसने अपनी डायलॉग्स में यह बता दिया कि तुमसे बुरा इंसान कोई हो नहीं सकता है। और वाकई में स्वार्थी, बुरा कुछ भी कह लो, बच्चों के लिए प्रोटेक्टिव है, मगर वो क्या प्रोटेक्शन हुई कि तुम बच्चों का ध्यान भी नहीं रख सकते हो? अगर वो गिरता है तोशु बेड से नीचे तो समर पे गुस्सा निकालते हो, अपनी परेशानियों को दूसरे की परेशानी, यानी कि अपनी जो भी परेशान हो रहा हूं वो दूसरे की द्वारा दिया गया है, अपनी जिम्मेदारी कभी नहीं लेते, ना परेशानी की ना किसी और चीज की। तो वनराज को तो जो कहा है काव्या ने बहुत सही कहा है। तो अब सीन ये है दोस्तों, जो हमें समझ में आ रहा है कि अनुपमा का दुख अब बढ़ने वाला है, क्योंकि अनुपमा को शाह परिवार से जो वनराज ने एक लाइनर दिया है सुकून और वो वाला, उसकी परेशानी उसको होगी, क्योंकि अब वो शाह परिवार में जाएगी तो वनराज अपना मौका छोड़ेगा नहीं, वो बार बार करेगा क्योंकि काव्या से उसको लात पड़ चुकी है। और इधर अनुज और माया, खास करके माया, अनुज के करीब जाने के बहाने ढूंढेगी, क्योंकि अब वो चाहती है कि यही हो जाए और अनुपमा अपने उधर ही रहे शाह परिवार में। तो ये सारी चीजें अब बिगड़ रही है और इन सबको संभालना है अनुपमा ने, मगर पहले उसे खुद को संभालना है। अभी वो सदमे में है, दुख में है, मगर अब वो खुद को संभाल लेगी, क्योंकि यही अनुपमा का ग्राफ रहा है अब तक। और फिर वो सबकी धज्जियां उड़ाएगी अपने तरीके से, और तब हम सब ऐसे ही उसके बारे में भी बात कर रहे होंगे। क्या कहना है आपका इसके बारे में, कमेंट करके बताइए। देखते रहिए चैनल हंगरी स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.